हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला में भाग 3 पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जिसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट संख्या 11 है। इसका पहला क्वेश्चन है, आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बाड़ी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो भरपूर हो, किससे? कार्बोहाइड्रेट से हो, विटामिन से हो, वसा से, प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि प्रोटीन से भरपूर हो जाना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अवद्रव्यों को अवसादित करने में, यानी कि जो भी उसमें निलंबित हल्के अवद्रव्य हैं उनको अवसादित करने के लिए फिटकरी का यूज करती है। ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की अधिकांश भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर ए, श्यामपट पर लिखी गई विभिन्न श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देख कर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना होगा। ऑप्शन नंबर बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, वाष्पन। ऑप्शन नंबर अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। ऑप्शन बी, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन या निस्यंदन। ऑप्शन सी है, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या वाष्पन। ऑप्शन नंबर डी था, निस्पंदन पहले, निस्यंदन पहले होगा, फिर निस्तारण होगा, फिर वाष्पन, फिर अवसादन कहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते, ये किसके कारण हो सकता है? ये उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाए, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यित नहीं कर सकी, इस वजह से वो नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन नंबर ए, सब्जियों को काटना और उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन बी, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन बी सी, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते पकाना। ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु से भार है कि जगह घेरती है और उसकी सहयोगी को उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियों को सुझाव देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंदर देखते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह पर रखें, उससे नीचे केले। ऑप्शन बी, स्ट्रा माध्यम से जूस निकालना। ऑप्शन सी, गुब्बारे में हवा भरना। ऑप्शन नंबर डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांध कर सारा साम्यावस्था में ले जाएं और तब किसी गुब्बारे को फोड़ दें। ऑप्शन ए और डी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के शिक्षक
शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का समीकरण करें। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के प्रकरण का स्वस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी, प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखना। तो इस हिसाब से सभी विकल्पों को देखते हुए ऑप्शन नंबर बी द उचित ऑप्शन है, इसलिए आंसर विकल्प नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाई की पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन बी, बहुत बात करना। ऑप्शन डी, हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता। ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा जबकि लोहे की कील पर भार लगने वाला बल उसकी तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा जबकि स्टील की कटोरी में लगने वाला भार की तुलना में उसकी कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवन प्रतिक्रियाओं को का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन और अंकुरण वृद्धि में और अंकुरण। ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित चार तरीके बताती है। ऑप्शन नंबर ए, दिन में दो बार ब्रश करें। ऑप्शन नंबर बी, इनेमल कम ना हो इसके लिए बेसिज पहने। ऑप्शन नंबर सी, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड के पदार्थ ना लें। ऑप्शन नंबर डी, हर खाने के बाद खुला करें। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए का करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी का करना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी का करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए बीएनआरए का अध्ययन करने, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, जी पानी में रहने वाले हैं और अंडे देने वाले हैं। निम्न में से एक्स में से रखे गए जा सकते हैं, एक्स में तीनों रखे जा सकते हैं, पानी उभयचर। नहीं, आओ देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, जलीय जीव अपने पोषण के लिए पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, चूंकि जल उबालने से खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ये मुक्त वेरियों है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा प्रदर्शन करने का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, पानी नहीं पर्याप्त हवा ऊंचे पहाड़। ऑप्शन नंबर, पानी नहीं है गहरे गड्ढे हैं ऊंचे पहाड़ हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, आरती एक पोस्टर एक बीमारी में रोकथाम से संबंधित गतिविधियां बढ़ाती है, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। ऑप्शन बी, पानी के बर्तनों कूलरों और टंकियों को साफ रखें। ऑप्शन नंबर डी, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। ऑप्शन डी, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने वाले रोग में पैदा जागरूकता करानी है, किसकी करानी है? डेंगू और जापानिया मस्तिष्क ज्वर की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप में संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए, लहू मलेरिया एनीमिया रक्त। ऑप्शन नंबर बी,
लहू है, हीमोग्लोबिन है, एनेमिया आंवला। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। सभी ऑप्शनों को देखते हुए ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर, यानी पुनर्बलन के सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं को कमजोरियों के बारे में चर्चा करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है ए पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकी गणना कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए उससे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है और जिसमें ठंडा पानी। ऑप्शन बी उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है, किसे? हरा धनिया को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका को ये समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए हमारे जूते जमीन और बीच के होने वाले घर्षण कारण हम चल पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई हुई वस्तु और वो घर्षण के कारण हमारे पास वापस नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, इस पेपर प्रश्न की दृष्टि से बी इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी बड़े शहर सड़कों और भारी वाहनों के पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक व्यवस्था का प्रयोग कर सकते, अक्सर घर से बाहर जाने से बचें, व्यक्ति वाहन जैसे स्कूटर आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जाँच कराएं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात का प्रयोग करने की व्यवस्था का प्रयोग करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारक उपाय क्या हो सकता है? आओ देखते हैं ऑप्शन। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अनियमितता के कारण पता करना कि समीर को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो बायो हर जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, यानी कि कह रहा है शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने के लिए करता है? तो यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अवलोकन का कौशल विकसित करने के लिए ऐसे प्रश्न टीचर पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक कक्षा में औसत कम करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यूह रचना प्रवाह सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर ए उनके अधिगम में कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है ए सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय हैं। ऑप्शन सी है उन्हें घर पर रोकने के लिए अतिरिक्त दत्तकार देना। ऑप्शन नंबर डी उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और काम का लगातार पर्यवेक्षण। तो इस हिसाब से सबको देखते हुए ऑप्शन नंबर ए द बेस्ट आंसर, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना है और उसके अनुसार उन्हें सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है?
ऑप्शन नंबर एक डिजाइन तैयार करना है, प्रश्न लिखने हैं, अंक योजना तैयार करनी है, ब्लूप्रिंट से मिलान करना है। अगले और देखते हैं, प्रश्न पत्र लिखना है और उसका संपादन करना है, डिजाइन से मिलान करना है, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करनी है, अंक योजना। ऑप्शन नंबर सी है, प्रश्न लिखना है, ब्लूप्रिंट रूप तैयार करना है, डिजाइन से मिलान करना, अंक। सबसे पहले डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर उनका संपादन करना, फिर अंक योजना लिखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कक्षा के अनुभाग आग के पेट्रोलियम और कोयले के भंडारणों का रिक्तिकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों को बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया, ऐसा होने के कारण हो सकता है कि वह बहुआयाम दैनिक जीवन परिस्थितियों में अधिक नज़दीक हैं। ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया गृह सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी श्रव्य द्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों में शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन कार्ड एक अच्छी सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है, श्रव्य द्रव्य सामग्री बेहतर साधारण के लिए इंद्रियों में शामिल करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक की को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शामिल करना है, खोजबीन करनी है, व्याख्या करना है, विस्तार देना है, मूल्यांकन करना है, विज्ञान के प्रभारी शिक्षण से पांच जुड़े महत्वपूर्ण यस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों में संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ करने के लिए कहता है, ऑप्शन ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती कपड़े में रखें, बी, दो दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आय परिवर्तनों का रिकॉर्ड लें, ऑप्शन सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पर काम करना शुरू करें। देखते हैं, शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों इन पांच में से कौन सी नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है, एब्रोरेट नहीं है, एक्सप्लोर और इवैल्यूएट नहीं है, इंगेज और एक्सप्लोर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, इंगेज नहीं है, एक्सप्लोर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में समृद्ध वनस्पति जाति और प्राणी जाति के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, ये विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर ए, कच्छीय अधिगम में वास्तविक जीवन स्थितियों को के साथ जोड़ने में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए इस श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बहुत कम समय बचा है, आप सतत रूप से पढ़ते रहें।